सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेम ही है ऑलमोस्ट, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है बहुत ज्यादा, बस लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट मेंशन है उसको ध्यान में रखना है आपको। डिटेल स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950s, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की थी? नॉल एंड रस्का ने, रस्का, ठीक है, नॉल एंड रस्का। सो ये जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी हम बताए ना ईएम इसको बोलते हैं शॉर्ट में, इसमें दो टाइप के बेसिकली होते हैं, टेम और सेम, ठीक है। सो जब ये डिस्कवरी हो गई तब हमने डिटेल स्ट्रक्चर समझा, उसके पहले हम अंदाजा लगाते थे कि ऐसा है वैसा है, डिटेल स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, क्योंकि इसका जो मैग्निफिकेशन होता है बहुत हाई लेवल पे होता है, ठीक है। हाँ, माइक्रोस्कोप, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे ना तो पता चला कि ये अगर इतनी सी बूंद है ना, और ये आप स्लाइड, इसकी जो स्लाइड होती है छोटी सी, उस पर रख के देख रहे हैं ना, आप समझ लीजिए कि लगेगा अपना कि आप समुंदर में घूम रहे हैं, समझ रहे कि नहीं, आप समुंदर में, ऐसा फील होगा कि समुंदर में घूम रहे हैं। तो इसको सेट करना और इसमें मतलब विजुलाइज करना चीजों को बहुत आसान नहीं होता है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट होता है। Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in the human red blood cells, enable the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. तो जो स्टडी की गई आरबीसी के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को रिड्यूस करने के लिए, दीज स्टडीज शो दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कम्पोज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। कब से मैं बताते आ रहा हूँ, कैसे, PLLP, ठीक है, प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन, प्रोटीन लिपिड बाइलेयर, मतलब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इसमें फॉस्फोरस होता है और कुछ नहीं, मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स, इसलिए बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ओके, दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर स्ट्रक्चर। कैसे अरेंज होता है, देखिए ऐसे एक स्ट्रक्चर देखने को मिला, ऐसे क्लियर स्ट्रक्चर ऐसे नहीं रहता है, हम बता देंगे प्रोटीन कैसे होता है। तो ये ऐसे गोला हो गया, इसको हम बोलते हैं हेड, क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, ठीक है, और इसमें दो ऐसे टेल्स लटकी होती हैं, क्या होता है ये, टेल्स होता है। तो हेड जो होता है वो हाइड्रो, क्या होता है, फिलिक होता है, नहीं, और जो टेल होता है हाइड्रोफोबिक होगा। तो टेल जो होता है अंदर साइड में ऐसे डूबा रहता है, बीच में रहता है, मतलब दोनों साइड अगर एक्वस मीडियम है तो हेड जो है बाहर ऐसे रहेगा, इधर की लेयर में इधर बाहर और इधर की लेयर में इधर बाहर, ठीक है, ये टेल है और ये हेड है, ठीक है। और जो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन इसके ऊपर ऐसे इम्बिडेड रहती है, ऐसे इंट्रिंसिक, क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ट्रिंसिक, और अंदर साइड में जो रहेंगी, अगर ये बाहर की लेयर है, ये आउटर साइड है मान लीजिए, और ये इनर है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर साइड में कोई प्रोटीन है मान लीजिए ऐसे, तो इसको बोलेंगे इंट्रिंसिक, क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक, ठीक है। और कुछ प्रोटीन इधर से इधर तक ऐसे आती हैं, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्बेडेड प्रोटीन भी बोलते हैं या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, मतलब ये इस साइड से इस साइड में आ रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे PLP बोलते हैं, दोनों साइड में होती है प्रोटीन की लेयर भी थोड़ी। लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड, ये हमने बताया ना हेड, ठीक है, ये पोलर नेचर के होते हैं, मतलब हाइड्रोफिलिक होते हैं, ठीक है, और टेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट, मतलब बीच में है ना, तो यहाँ पे पानी से दूर है, ठीक है, दिस इंश्योर द नॉन पोलर टेल। तो ये ध्यान रखना है, जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो पोलर होते हैं, ठीक है, बोला है ना पोलर हेड, मतलब दे आर हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, लविंग, ओके। जो नॉन पोलर टेल होता है क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर से घृणा या हेट करने वाले, ठीक है, डर लगता है इनको वाटर से, समझ रहे हैं नहीं, अरे इसी से होता है ना, रेबीज जब होता है, या बोलते जो कुत्ता काटता है, तो कहते हैं ना हाइड्रोफोबिया हो गया है, हाइड्रोफोबिया का मतलब उनको पानी से डर लगता है बहुत ज्यादा, ठीक है। नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट, ठीक है, तो बाहर साइड में भी एक्वस एनवायरमेंट से प्रोटेक्शन होता है और अंदर साइड से भी, क्लियर है कि नहीं। इन एडिशन टू द फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स दी कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल का रोल भी होता है फ्लूडिटी को मेंटेन कराने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मिनिमम लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल चाहिए बॉडी में सो दैट द मेम्ब्रेन फ्लूडिटी इज मेंटेन, और ये किस लिए होता है, मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, अदरवाइज क्या है, अगर बहुत ज्यादा हीट हुआ
और मेम्ब्रेन अचानक से बहुत ज्यादा फ्लूइड हो गया, तब तो इंटीग्रिटी गई, बाहर का सामान अंदर घुस गया, अंदर का सामान बाहर निकल आया। बहुत ज्यादा ठंडी आई और फ्लूइडिटी अगर मेंटेन नहीं रही तो रिजिड हुआ सेल मेम्ब्रेन, टूट जाएगा, ठीक है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। ओके, लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन्स आल्सो पोसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। सी ग्लाइकोसाइलेशन भी होता है तो वो प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट जुड़ा रहता है, ठीक है। उसके अलावा जो प्रोटीन होता है तो हमने बता दिया एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक एंड ट्रांसमेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ओके, रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप, ये ध्यान रखना है। जो प्रोटीन एंड लिपिड का रेशियो होता है अलग अलग सेल टाइप में अलग अलग होता है, ठीक है। मतलब सफिशियंट प्रोटीन होता है, ध्यान रखिएगा इसका स्ट्रक्चर सही में देखेंगे तो ये पी हो गया, एल हो गया, एल हो गया और पी हो गया, और यहाँ पे लिपिड कौन सी होती है, फॉस्फोलिपिड, इसीलिए बोलते ही है फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। ओके, देखिए प्रोटीन एंड लिपिड की बात कर रहा है, प्रोटीन रेशियो लिपिड, और ये सेल टू सेल वैरी करती है, ठीक है। ह्यूमन के केस में बोला है कि अगर हम आरबीसी की बात करते हैं, मतलब इरिथ्रोसाइट्स की बात करते हैं, रेड ब्लड कॉर्पल्स की बात करते हैं, ठीक है, आरबीसी की बात करते हैं, इरिथ्रोसाइट्स की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। इस रेशियो को याद रखिएगा बाबूजी लोग, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो पूछा हुआ है क्वेश्चन और इसको रिवर्स करके बोल देता है, ठीक है, या रेशियो को बोल देगा कि ये यूनिवर्सल रेशियो है, तो यूनिवर्सल है क्या, नहीं, ये आरबीसी के लिए है, इरिथ्रोसाइट्स के लिए है केवल, ठीक है। इसी तरीके से सेल टू सेल या डिफरेंट सेल टाइप में वेरिएशन देखने को मिलता है, क्लियर है, क्लियर है। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। तो इंटीग्रल हम किसको बोल रहे थे, वही जो ये इनर मेम्ब्रेन वाला है ना, ट्रांस मेम्ब्रेन या ये वाला प्रोटीन, इसको इंटीग्रल बोलते हैं, और ये बाहर जो ऐसे दिखाया था इसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल। तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों पेरिफेरल हो सकते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन व्हाइल द इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शियली आर टोटली बरीड इन मेम्ब्रेन। यहाँ पे हमने क्या किया था, ऊपर साइड से दिखाया था, लेकिन टोटली मतलब यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे चैनल भी बना सकते हैं, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं कि नहीं। ये नाम सुने हैं एक्वापोरिन्स, क्या होता है ये मेम्ब्रेन में वाटर चैनल्स होते हैं। वाटर चैनल मतलब केवल और केवल वाटर जाएगा यहाँ से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोरिन्स प्रोटीन होती हैं, पोरिन्स प्रोटीन चैनल किसका बना है, पोरिन्स प्रोटीन का, इसलिए एक्वापोरिन, एक्वा का मतलब वाटर एंड पोरिन्स का मतलब पोरिन, प्रोटीन से बना है, पोर है ये, तो ये मेम्ब्रेन में ना ऐसे चैनल बनाता है ऐसे, ठीक है, और इधर साइड में फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर आपकी है, ठीक है, ऐसे ऐसे हेड इधर, तो ये क्या है, यही है, क्या है, एक्वापोरिन। तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, लेकिन आएगा किसके, उसमें इंटीग्रल में, क्लियर है कि नहीं। देखिए मैं सब चीजों को जोड़ता रहता हूँ, तो आप अगर सोचें कि मैं खाली ये एनसीईआरटी हटा के लिख के बताऊं तो बड़ा दिक्कत है। दिक्कत ये है ना कि आप लोग पढ़ते नहीं है ढंग से, फिर इसलिए मैं सामने एक एक चीज को समझा रहा हूँ बच्चे की तरह आपको, जैसे 11 12th में आप पढ़ते हैं तो वैसे तरीके से। तो एनसीईआरटी जो मेरा लेक्चर पढ़ते समय आप बुक खोल के पढ़ेंगे तभी मजा आएगा, ऐसे नहीं मजा आएगा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो पार्शियली या टोटली बरीड जो हो गया उसको इंटीग्रल बोलेंगे, बाहर साइड में जो रहेगा पेरिफेरल होगा। सी हमने बताया शुगर मॉइटी भी होता है, तो शुगर भी हो गया जुड़ा हुआ है, ग्लाइकोसाइलेशन जब होता है प्रोटीन का तो यही शुगर जुड़ता है। ग्लाइकोसाइलेशन आपका कहाँ होता है, आप देखेंगे तो जो नोकॉलजी बॉडी है वहां पे भी होने का ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। ओके, ये देखिए मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिया है, देखिए ये हेड दिया है ना, हेड गोला, हेड गियर थोड़ा डार्क से बनाए, ये देखिए सब दिया है ना, बना है, ये हेड है जो मैं बनाया था, ये हेड है दोनों साइड में, ये देखिए लटका है ना ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है, टेल है। तो ये हेड हाइड्रोफिलिक, टेल हाइड्रोफोबिक, ठीक है। उसके बाहर देखिए कि प्रोटीन है लगी हुई ना, ये देखिए पेरिफेरल प्रोटीन बाहर ऐसे लगी हुई, देखिए सरफेस पे लगा हुआ है, ये देखिए सरफेस पे, इधर भी लगा हुआ है, देखिए सरफेस पे, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर हो गई, ये प्रोटीन हो गई, ठीक है, इसको बोलेंगे इंट्रिंसिक, इसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक, मतलब बाहर साइड में है, क्लियर हो गया। इसके अलावा इंटीग्रल प्रोटीन है, ये देखिए
ये देखिए इंटीग्रल प्रोटीन, ये कम्प्लीटली एम्बेडेड है, ठीक है। कुछ कुछ प्रोटीन्स होती हैं पार्शियली एम्बेडेड होती हैं, देखिए पार्शियली एम्बेडेड है, ये देखिए पार्शियली एम्बेडेड है, ठीक है। ये देखिए पूरा चैनल बना रही है ऐसे, ये देख रहे हैं, ये देखिए मस्त एकदम पूरा चैनल बना रही, तो इसको ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल बोलते हैं, ठीक है। और ये मॉडल किसका है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ऐसे बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं मेम्ब्रेन के, और फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है सबसे फेमस मॉडल है, और किसने दिया है। इसके अलावा और भी मॉडल हैं, जब डिस्कवरी हो रही थी, स्टडी हो रही थी, तो लोगों ने अलग अलग तरीके से दिया है, लेकिन सबसे एक्सेप्टेड, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, ठीक है, ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सा है, यही वाला। किसने दिया है, सिंगर एंड निकोलसन, नाम है, गायक नहीं है ये, ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है, समझ रहे नहीं। इसको बोलते हैं क्या है, फ्लूइड मोजैक मॉडल। मोजैक का मतलब पता ही है आपको, फ्लूइड मोजैक मॉडल, मतलब इन्होंने बोला कि जो फास्फोलिपिड है ना, तो फास्फोलिपिड के सी में, मतलब जो फ्लूइड है सी में, प्रोटीन जो है ना ऐसे आइसबर्ग की तरह घूमता रहता है, समझ रहे ना, और माइग्रेशन भी होता है यहाँ प्रोटीन का, मतलब जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती है ना, कुछ कुछ प्रोटीन इधर से इधर माइग्रेट भी करती रहती हैं, काम के टाइम पे जरूरत पड़ने पे माइग्रेशन भी होता है। तो मीनिंग समझ में आया, क्यों फ्लूइड मोजैक बोलते हैं, तो ध्यान रखना है, सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा, और यही हम पढ़ते हैं। इसका एस्पेक्ट और भी देखेंगे, तो कभी अलग से पढ़ने का मन होगा तो बताइएगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है आपको। सो एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर था, तो इसी का इम्प्रूव मॉडल किसने बताया, सिंगर एंड निकोलसन ने, वाइडली एक्सेप्टेड है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोजैक मॉडल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स द लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, मैंने बताया ना लैटरल मूवमेंट होता है विद इन द बाइलेयर, ये एग्जैक्टली वैसे है, एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे आइस बॉक्स होता है ना, ऐसे मान लीजिए ये ओशन बॉडी है, मान लीजिए बहुत बड़ी सी बॉडी है आपका ओशन, ठीक है, समझ रहे नहीं, ओशन है ये। अब ओशन में देखेंगे तो आइसबर्ग्स ऐसे ही रहते हैं, तैरता रहता है, तो आपको जितना दिखता है ना आइसबर्ग बाहर, ठीक है, ये बहुत कम होता है, नीचे इसका पूरा ऐसे पता चला कि आइसबर्ग एकदम नीचे तक फैला हुआ है, यहाँ अच्छा टिप दिख रहा है, नीचे इतना बड़ा सा है, ठीक है, ऐसे आइसबर्ग, टाइटेनिक याद है कि नहीं, तो ये आइसबर्ग्स हैं। और ये जो क्या है, वाटर है, सी वाटर, तो वाटर को यहाँ किससे रिप्रेजेंट किया है, लिपिड से, ठीक है, और आइस बॉक्स को किससे किया है, जो प्रोटीन्स है, ठीक है। तो आइस बॉक्स भी मूव करते हैं ना, इधर इधर मूव करेगा भैया, ठीक है, मूवमेंट होता है। सिमिलरली यहां पर भी क्या होता है, लैटरल मूवमेंट होता है, क्या लैटरल मूवमेंट, किसमें, ये लिपिड का जो क्वासी फ्लूइड नेचर है, क्वासी फ्लूइड का मतलब वाटरी फ्लूइड नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर, जेली टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, समझ रहे ना, ये क्या इनेबल करता है, लैटरल मूवमेंट इनेबल करता है किसके, प्रोटीन के लिए, ठीक है, विद इन दी बाई लेयर, मतलब ओवरऑल जो भी स्ट्रक्चर है बाई लेयर का, उसी में क्या करता है, इनेबल करता है मूवमेंट को, लैटरल मूवमेंट को करता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट में चेंज कर देगा, लैटरल की जगह क्या कर देगा, वर्टिकल मूवमेंट, फंस गए आप अगर इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप वहीं फंस गए, धोखा खा जाएंगे फिर। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी, यही है। तो मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होती है उसको मेजर करने का यही तरीका है कि उस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन की कितनी एबिलिटी है कि ये प्रोटीन का मूवमेंट लैटरली कितना हो पा रहा है। अगर जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा अगर सेल फ्लूइड हो गया तो भी सेल की इंटीग्रिटी खत्म, और अगर जितनी रिक्वायरमेंट है उससे अगर कम हो गया, मान लीजिए रिक्वायरमेंट हमको इस लेवल पे है और फ्लूइडिटी यहाँ पहुंच गई है, ठीक है, तब भी दिक्कत है, और यहाँ पहुंच गई है तब भी दिक्कत है, हमको चाहिए क्या, इसी लेवल पे चाहिए बिल्कुल, इससे ना तो अप होना चाहिए ना ही डाउन होना चाहिए। इसी को मेंटेन करने के लिए अदर मेम्ब्रेन में कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट हमने एस्पेक्ट बताया कोलेस्टेरॉल का, ठीक है, समझ रहे ना, एक्सेस में होगा तो प्रॉब्लम अलग है, लेकिन होना चाहिए।
The fluid nature of the membrane is also important from the point of view of functions like cell growth. Obviously बात है, fluidity है तो cell growth है, आराम से cell growth होगा, expansion होगा, formation of intercellular junction. जैसे प्लांट के केस में हमने प्लाज्मोडेस्माटा पढ़ा था, यहाँ पे अलग अलग जंक्शन होते हैं, टाइट जंक्शन होता है, गैप जंक्शन होता है, ठीक है, एडेरेंस जंक्शन होता है, क्लियर है कि नहीं. सिक्रीशन, कुछ भी सिक्रीट कराने के लिए. इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई फूड है, ठीक है, अरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ऐसा होता है ना, तो इसी को बोलते हैं इंडोसाइटोसिस. जो फैगोसाइटोसिस होती है सेल के अंदर, कैसे होती है, फैगोसाइटोसिस. तो इंडोसाइटोसिस का एग्जांपल ही देखिए. अब ये क्या करेगा ना, ये फूड पार्टिकल है तो ये ऐसे मूव करेगा हल्का सा, और मेम्ब्रेन को ना ऐसे अंदर की तरफ घुसाएगा, ठीक है, अंदर की तरफ घुसाएगा, और ये फूड ना इसी कैविटी में ऐसे आएगा, है अभी बाहर ही, लेकिन इसने ऐसे अपने को इनफोल्ड करा लिया है, और फिर धीरे 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 क्या करेगा, इधर से ना ऐसे करा लेगा, और नीचे वाले जो चीज है ना इसको खत्म कर देगा, ये गया काम से, ठीक है, ये गया, और धीरे से ये जो है ना ये अंदर आ गया. तो जो फूड पहले बाहर घूम रहा था अभी अंदर आ गया, यही क्या है, एंडोसाइटोसिस. और ये फूड पार्टिकल है तो इसकी हमने फैजी कर ली, तो क्या हो गया, फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस मतलब इंडोसाइटोसिस का एक टाइप है. जब सॉलिड फूड अगर एंट्री करता है ये, तो ये फैगो हो जाता है. अगर मान लीजिए लिक्विड ड्रॉपलेट्स है, कोई ऑयल ड्रॉपलेट है, अगर ये फूड होता है तो उसको हम पिनोसाइटोसिस बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस. पिनो का मतलब पीना से है, तो याद रखिएगा, लिक्विड पिएंगे तो इसलिए पिनोसाइटोसिस. सॉलिड के लिए फैजी है, सिंपल सी बात, खाना है, तो इसलिए वो फैगोसाइटोसिस हो जाता है. क्लियर है कि नहीं, तो इंडोसाइटोसिस में भी हेल्प करता है, क्लियर है. सेल डिवीजन में भी हेल्प करेगा, और ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि फ्लूइड नेचर सपोर्ट करता है, क्लियर है. सो सिंगर एंड निकोलसन 1972 फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या मीनिंग है समझा दिया हमने. One of the most important function of the plasma membrane is the transport of the macromolecules across it. ये हमने शुरू में ही बता दिया था कि plasma membrane जो है transport का भी काम करता है. The membrane is selectively permeable, बता दिए हैं, समझ रहे हैं ना, जरूरत रहेगी तभी वो allow करेगा, नहीं तो नहीं. Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy. जिनको हम बोलेंगे passive transport हो रहा है, तो meaning है, पता है हमको, passive और active transport का मतलब समझ में आ रहा है ना. पैसिव कहीं पे भी वर्ड आए, इसका मतलब हम जैसे पढ़ने के लिए बोलते हैं कि आप पैसिव स्टडी नहीं करिए. पैसिव स्टडी का मतलब होता है यू आर नॉट इंडल्जिंग, यू आर नॉट इन्वॉल्विंग एनर्जेटिकली, ठीक है. जैसे होता है बच्चे यूट्यूब देखते हैं लेक्चर, यूट्यूब पे क्या करते हैं, अपना वीडियो खोल लिए, तकिया लगा लिए दीवार पे, अपना देखे जा रहे हैं, कोई आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, पता चला यूट्यूब देखते देखते मूवीज पे लगे हुए हैं. मूवीज तो तब भी ठीक है, रील्स पे लगे हैं, फालतू की चीज चल रही है वहां पे, मतलब कुछ अच्छा आ जाए कभी तो ठीक है, लेकिन आप उसे एक अच्छे की तलाश में कि उसमें मोटिवेशन वाला कोई भी वीडियो आ जाए, या कुछ आजकल शॉर्ट में सपोज हमने कुछ बना दिया, तो उसको एक को ढूंढने के लिए आप पूरा रील्स नहीं ऐसे कवर कर सकते हैं ना, जरूरत ही नहीं है. कभी ऐसे खोले अचानक से आ गया तो ठीक है, अदरवाइज मैक्सिमम 5 to 10 मिनट, इससे ज्यादा का टाइम नहीं. तो सेम चीज, ये सब पैसिव लर्निंग का पार्ट है, और पैसिव चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है यहाँ पे एटीपी जो है नहीं लगेगा बस. और पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो टाइप से आता है एक्चुअली में, एक ऑस्मोसिस होता है, तीन टाइप का, ऑस्मोसिस हो गया, डिफ्यूजन, ठीक है, ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन ओनली, एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन ही है, तीन टाइप से हो गया ना, ध्यान रखना है आपको ये, ठीक है, तीनों चीजों को ध्यान रखना है, पहला दूसरा एंड तीसरा. ये क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे एनर्जी नहीं लगती है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे एनर्जी या एटीपी नहीं लगती है, नो एटीपी रिक्वायर्ड. तो ये शॉर्ट टर्म मूवमेंट के लिए, छोटे शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट के लिए, इमीडिएट सेल के लिए अगर चाहिए कुछ तो भेज देते हैं, ठीक है. न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन. न्यूट्रल सॉल्यूट्स का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई
जिसमें कोई आयनिक वो ना पोलैरिटी ना हो, ठीक है, पोलर रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे नहीं। और ये सारा मूवमेंट कैसे होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे, डिफ्यूजन होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे ही होगा भाई, जिधर ज्यादा होगा कोई चीज उधर से ही कम की तरफ मूवमेंट होगा ना, तो वो कंसंट्रेशन के बेसिस पे हो रहा है। और अगर एनर्जी लगा करोगे, जैसे पंपिंग सेट से पानी फेंकना होता है, तो पानी तुम नीचे, पानी नीचे से ऊपर छत पे चढ़ाते हो तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में चढ़ाते हो, तो एनर्जी की जरूरत होती है, वो क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर पानी ऊपर से गिराना होगा तो उसके लिए पंप की जरूरत होगी क्या, नहीं भाई, ऊपर से सीधा से पानी से ऐसे कनेक्ट कर दो, नीचे सब निकल आएगा धड़ल्ले से, होता नहीं है। टंकी में पानी भरते समय बहुत बेस्ट एग्जाम्पल तुमको बता रहे हैं, देखो है बेस्ट एग्जाम्पल बता रहे हैं, नहीं टंकी ये आपका घर हो गया सपोज, नहीं ऐसे बेसिक सा घर है आपका, ठीक है, और यहाँ पे आपने टंकी रखी हुई है सिंटेक्स वाली, सिंटेक्स की टंकी रखी है, तो यहां से जब बाहर आप मान लीजिए यहां से पानी भरने का सिस्टम आपने लगाया हुआ है, ठीक है, ऐसे ये पंप है, वाटर ऐसे जा रहा है, तो इसके लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मतलब एनर्जी चाहिए। लेकिन क्या यहां से पानी नीचे आने के लिए, ये ऊपर से नहीं नीचे से लगाते हैं हम नल, ठीक है, नल का नीचे, यहां से पानी जो है सप्लाई जो घर में होती है इसके लिए बिजली की जरूरत होती है क्या, नो नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये जो काम हो रहा है इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत क्यों पड़ रही, क्यों, क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी काम चल रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, और ये क्या हो रहा है, ग्रेविटी की तरफ चल रहा है, ग्रेविटी के तरफ चल रहा है मतलब टूवर्ड्स द ग्रेविटी वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे है, यही है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्टिव और दिस प्रोसेस इज नोन एज पैसिव। कहानी समझ में आई, बस कहानी समझ में आई, तो बस वही एक्टिव और पैसिव है, उसमें तीन चीजें देख लीजिए बस ये, ठीक है। सो क्या हो गया, वाटर में ऑल्सो मूव द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो हमने बोला ना यहाँ पे स्पेशल टर्म ऑस्मोसिस वाटर के मूवमेंट के लिए दिया जाता है, ठीक है। और आरओ सिस्टम में, आरओ का नाम ही है, आरओ सिस्टम में क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसीलिए रिवर्स करना है हमको, इसीलिए क्या होता है यहाँ पे एनर्जी की जरूरत होती है। आरओ बिना पानी, बिना बिजली के नहीं चलता है, ठीक है, आरओ बिना बिजली के नहीं फिल्टर करता है, क्यों, क्योंकि ऑस्मोसिस जो होता है बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलेगा, लेकिन इसको अगर उल्टा करेंगे तो उसमें हमको एनर्जी चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं। एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाई लेयर, मतलब कोई भी पोलर मॉलिक्यूल अगर है तो वो बाहर ही रुका रहेगा, अंदर साइड से नहीं निकल पाएगा, दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन। तो अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल अगर पास कर रहा है मेम्ब्रेन से, ठीक है, तो बाहर साइड से ऐसे आया पोलर मॉलिक्यूल, अंदर साइड में क्या है, नॉन पोलर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये बाहर से ना अंदर जा नहीं पाएगा, तो क्या होता है कि ये किसी की सहायता हो जाता है, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है इसके साथ ही आएगा, ऐसे चिपक लेगा, चिपक लेगा, और ये क्या करेगा, खुल जाएगा, या तो जाएगा इधर से उधर छोड़ के आएगा, या तो ऐसे यहाँ पे ये ऐसे स्ट्रक्चर इनका रहता है कि जस्ट ये रोटेट कर जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा और यहाँ पे आके इसको उल्टा जो है ना छोड़ देगा, यहाँ पे आके चिपका देगा इसको ऐसे, तो ये इधर से इधर आ गया, इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट को क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है। तो कौन सी प्रोटीन यहाँ पे होगी, ये कैरियर प्रोटीन होगी, ठीक है, कैरियर प्रोटीन क्या करती है, ये फैसिलिटेट करती है ट्रांसपोर्ट को, ठीक है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, समझ में आ रहा है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, और नॉर्मल डिफ्यूजन भी रहेगा तो सब क्या है, पैसिव, ट्रांसपोर्ट के अंदर में आएगा, ठीक है, ओके। अ फ्यू आयन और मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अभी मैंने बताया अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सेम ही है, फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, इसमें क्या होता है, एनर्जी लगती है, तो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस हो गया। जैसे ही एनर्जी लगेगी, मतलब एटीपी यूटिलाइज हो रहा है, इसको हम क्या बोल देंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। जैसे सोडियम एंड पोटेशियम पंप जो होते हैं हमारी बॉडी में, ये क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल है, क्लियर है कि नहीं।
सो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आज हमने पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके ऊपर का जो बेसिक यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर था उसको समझ लिया है। अब नेक्स्ट में हम एक एक करके ऑर्गेनेल पढ़ेंगे, जैसे सेल वॉल हो गया, सेल वॉल देख लेंगे, उसके बाद इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के डिफरेंट पार्ट देखेंगे, फिर माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएंगे, उसके बाद प्लास्टिड्स है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझेंगे, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन छोटा छोटा है, ठीक है, फिर इधर सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल आ जाएगा, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर समझेंगे, और फिर क्रोमोसोम के उस पर चल के फिर माइक्रोबॉडीज खत्म। तो हमको लग रहा है दो क्लास और लगेगा शायद, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसमें देखते रहिए, अच्छा है, पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं अच्छा लगेगा, क्लियर है। ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।